हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ राहुल निषाद, करियर पॉइंट नरहन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं करियर पॉइंट नरहन में फिजिक्स एंड मैथ पढ़ाता हूं, जबकि करियर पॉइंट नरहन में सौरभ निषाद आपको केमिस्ट्री और बायो पढ़ाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टूडेंटों को इस लॉकडाउन पीरियड में एनसीईआरटी 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर का 7.5 का आपका कुछ आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बना रहे हैं। आप लोग इसे देखिएगा और इस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको उन सारे क्वेश्चन का नंबर बता देंगे। वो सारे क्वेश्चन आप घर पे बनाने का प्रयास कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए 7.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स बटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। सबसे पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी, जो बातें जब समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ देख लीजिए आप, पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो तो आप इसे तोड़ते हैं एक्स बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ए प्लस एक्स बटे सॉरी बी बटे एक्स माइनस बी, ठीक है। ये एक रूल होता है, ये रूल क्या होता है सो बताते हैं आपको। देखिए यहाँ एक्स और ये एक्स, इसको जब आप आपस में गुना करोगे ना तो हर में आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, यानी कि एक्स का पावर 2 मिलेगा, एक्स का घात 2 मिलेगा। तो आपको दो कांस्टेंट ज्ञात करनी होगी, ठीक है, एक कांस्टेंट ए और एक कांस्टेंट बी। जब ये दोनों कांस्टेंट ज्ञात हो जाएंगे तो आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, आप देख लो कोई भी क्वेश्चन में अगर नीचे में ऐसे करके दो दिए हुए हैं तो आप ये रूल लगाओगे, अगर आपको 3 दिए हुए हैं तो आप ये रूल लगाओगे। सवाल बनाने का प्रोसेस दोनों में इक्वल ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट बन सकता है, ये सवाल थोड़ा लॉन्ग बन सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है, आप इस क्वेश्चन को देख के समझ ही सकते हैं कि इस रूल पे बैठेगा, इसके लिए ये रूल है नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, देखिए आप मानोगे लेट, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया था हमें, ये दिया था एक्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसे आपको कर देना होगा पर इक्वल ए बाय, जैसे यहाँ एक्स माइनस ए और क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये ए बाय एक्स माइनस ए था ये पहली वाला टर्म, ये पहला वाला टर्म क्या है, यहाँ पर पहला वाला टर्म है एक्स प्लस 1, ठीक है। और बीच में आपको प्लस का साइन देना है और आपको देना है बी बाय एक्स प्लस 2 जो ये टर्म था, ठीक है। अब आप क्या करने आगे देखते चलिए, एक्स बाय एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 2 बराबर। सबसे पहले आपको इधर भिन्न का जोड़ बनाना होगा, भिन्न का जोड़ जब बनाएंगे आप तो चूंकि ये दोनों टर्म अलग अलग हैं तो आपको इन दोनों का एलसीएम दोनों का गुणा करने के बाद मिलेगा, तो हम दोनों को गुणा कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स प्लस 1 यहाँ मिल गया है तो एक्स प्लस 2 को ए के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपको ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस ये बी है तो बी इंटू एक्स प्लस 2 मिल गया, यहाँ एक्स प्लस 1 बाकी था तो एक्स प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों नीचे वाले कट जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स बराबर ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। करने क्या है आपको, आगे देखिए आपको कुछ ऐसा टर्म सोचनी है, ठीक है, आपको कुछ ऐसा टर्म सोचनी है कि कोई एक टर्म जीरो हो जाए। कैसे, जैसे देखिए ये एक्स प्लस 2 है, यहाँ पर अगर एक्स का मान हम मान लेते हैं कि माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा तो ये ए जीरो हो जाएगा तो हमें बी मिल जाएगा। और यहाँ पर एक्स प्लस 1 है तो यहाँ एक्स का मान अगर माइनस 1 पुट करेंगे तो मेरा बी जीरो हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ एक्स माइनस 2 होता तो एक्स बराबर हम प्लस 2 लेते हैं, ठीक है। यानी आपको ऐसा कुछ सोचना है कि इसमें जीरो कर देना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पुट कर लेते हैं पहली बार में एक्स बराबर माइनस 1, क्यों इसको जीरो कर लेते हैं ताकि ए का मान निकल जाए। तो यहाँ कितना था, यहाँ था आपको x, तो यहाँ भी रख देंगे आप माइनस 1, ये था a इंटू में हो जाएगा आपको x का स्थान पर आप कितना रखोगे तब माइनस 1, ठीक है,
ये माइनस वन रख दिए, प्लस ही कितना है दो है, दो रख देंगे बी, ये हो जाएगा आपको माइनस वन और ये हो जाएगा आपको प्लस वन, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ये माइनस वन इक्वल टू, ये माइनस एक प्लस दो है तो आपको एक मिलेगा, एक गुना ए यानी कि वन मिलेगा, सॉरी वन मिलेगा, और वन को ए से गुना करेंगे तो आपको ए मिलेगा, इधर वाले टर्म जीरो हो जाएंगे तो इससे आप जीरो लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए इजकल टू आपको मिल गया माइनस वन, तो पहला चीज़ आपको मिल गया ये। इसी तरह आपको दूसरा कॉन्स्टेंट ज्ञात करना है। अभी तक में इंटीग्रेशन कुछ नहीं बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो अभी ये नहीं सोचेगा कि यहाँ ये पूरा इंटीग्रेशन बन रहा है, ऐसा नहीं है। अभी ये बीच का प्रोसेस है, आपको इंटीग्रेशन आगे बनेगी, ठीक है। सारे सवाल में इस पूरे चैप्टर में आपको यही ऐसा ही प्रोसेस अपनाना है। अब पुट करते हैं, पुट आपको कर लेते हैं एक्स बराबर माइनस टू, ठीक है। तो जब माइनस टू करेंगे पुट यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एक्स बाकी था तो ये एक्स स्थान पर रख देंगे माइनस टू बराबर, ठीक है। यहाँ अगर आप माइनस टू रखेंगे तो देख लीजिए, ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस टू, ठीक है। ये हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा आपको माइनस टू एक्स के स्थान पर, और ये होगा प्लस वन, तो आपको मिलेगा ये माइनस टू, ये हो जाएगा आपको जीरो प्लस बी गुना माइनस वन, इसको सॉल्व करने पर। तो यानी कि ये माइनस टू बराबर हो जाएगा माइनस बी, माइनस माइनस कट जाएगा तो आपको मिलेगा बी बराबर प्लस टू, ठीक है। तो आपको ए और बी दोनों मिल चुका है। अब देखिए इंटीग्रेशन कितनी आसान होती है। अब आप सवाल देखो, सवाल में क्या क्या था, ये इंटीग्रेशन था आपका, ये इंटीग्रेशन था आपका, ये देखिए आप, ये पूरे जो टर्म था, इस पूरे टर्म को आपने ये टर्म मान लिया, यानी कि हम अगर इस इंटीग्रेशन को ये पूरा टर्म हटाते हैं तो वहाँ पर ये टर्म रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रख लेते हैं, नाउ देखते हैं आप क्या लिख सकते हैं। नाउ आई बराबर, अब आपका हो जाएगा जो इंटीग्रेशन में माना हुआ पार्ट था, जिसको हमने माने थे, उसके स्थान पर लिख सकते हैं ए बाय एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस बी बाय एक्स प्लस टू, और इंटीग्रेशन में साथ में यहाँ पर क्या था डी एक्स। क्या किए बताते हैं आपको, देखिए गौर से, इस पूरे टर्म को हटाए, क्योंकि ये टर्म को हम ये माने हुए थे, तो ये पूरे टर्म को यहाँ पर रखेंगे तो साइड में डी एक्स बचेगा, तो वो साइड में डी एक्स यहाँ रखा गया। अब आप देखो इसे क्या करते हैं, अब आई बराबर अलग अलग इंटीग्रेशन तोड़ लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं ए बाय एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस बी बाय एक्स प्लस टू और ये डी एक्स। अब इसे क्या करेंगे, आई बराबर ए का मान कितना लाए थे यहाँ पर माइनस वन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस वन बाय एक्स प्लस कितना दिया हुआ था वन, तो वन रख देंगे यहाँ पर, ये वाला वन डी एक्स प्लस बी का मान कितना लाए थे हमने दो, तो दो बट्टे एक्स प्लस टू और यहाँ पर क्या लिख देंगे डी एक्स, ठीक है। अब देखिए अब इधर बनाते हैं, ये जब टूट टूट कर आगे पढ़ेगा तो अब आपको होगा माइन आई बराबर माइनस वन को आप पहले बाहर कर लो, ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बट्टा एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस, यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंसिएशन, कॉन्स्टेंट को हमेशा बाहर रखते हैं, तो आप इससे बाहर रख देंगे, हो जाएगा वन बट्टा एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है। अब आप इसे क्या करोगे, i बराबर ये तो माइनस वन था ही, वन बट्टा एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए एक इंटीग्रेशन का छोटा सा फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन में कहा जाता है, एक फॉर्मूला होता है, वन बट्टा एक्स डी एक्स को आप लोग लिख सकते हो log
मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बातें समझ लीजिए आप कि देखो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं। किसे? वन बटा एक्स प्लस वन डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस वन। ठीक है, और प्लस लिख सकते हैं सी। कि ये क्या है? देखिए ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक कि एक्स के पीछे कोई संख्या ना आ जाए। संख्या आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, या स्क्वायर आ जाएगा तब। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे एक्स है, एक्स प्लस वन हो, एक्स प्लस टू हो, एक्स प्लस थ्री हो, एक्स प्लस टेन हो, या एक्स माइनस वन हो, एक्स माइनस टू हो, तो आप इस तरह लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ठीक इसी तरह आप देखिए दो दो आपके पास इक्वेशन है यहाँ पर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, मॉड कितना था ये एक्स प्लस वन, मॉड वन प्लस टू लॉग, ठीक है, मॉड एक्स प्लस टू प्लस सी। देखिए स्टूडेंट आप ध्यान दो, पूरे इंट्री अभी जो पूरा प्रोसेस बना है सवाल में सिर्फ इंटीग्रेशन यही हो रहा है, बाद में की प्रोसेस है जो कि सब सवाल में ये प्रोसेस लागू होगा। ठीक है, अब आप देखिए अब क्या करते हैं। अब हम इसे लिख सकते हैं आई बराबर, सबसे पहले देखिए लॉग का एक रूल होता है, लॉग यहाँ पर एक और रूल लिख देते हैं, लॉग एम के पावर एन का मतलब होता है एन लॉग एम एम। ठीक है, यानी अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो ज़रूरत पड़ने पर आप इसे भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं सबसे पहले, अभी हम आपको क्या करते हैं सबसे पहले कि देखिए हुआ क्या है यहाँ पर कि इसमें माइनस आ गया है। ठीक है, इसमें क्या हो गया? माइनस आ गया है। तो माइनस अगर ये आ गया, ठीक है, तो उससे भी पहले हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, पहले प्लस वाले को इधर लिख लेते हैं, ये वाले टर्म को हम इधर लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे साथ साथ एक एक काम और कर लेते हैं, लॉग जो हमारे पास ये है एक्स प्लस टू का पावर, इस दो को ऊपर उठा के रख देते हैं। कैसे? अगर एन लॉग एम होता है तो इसे लिख सकते हैं लॉग एम के पावर एन, यानी कि एन को उसके पावर में लिख सकते हैं। यहाँ एन का स्थान पर दो था तो पावर में चला गया। अब ये आपको माइनस हो जाएगा, वन अब मत लिखो चूंकि वन ही है, टू रहता तो हम लोग लिखते भी, ये हो जाता है लॉग मॉड एक्स प्लस वन और प्लस में क्या हो गया सी। ठीक है, अब आप देखो इसे क्या कर सकते हो, एक इंटीग्रेशन में एक लॉग का फॉर्मूला और होता है लॉग एम माइनस एन, तो ये हो गया लॉग, ये पूरा पूरा हो गया एम, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया लॉग, ये हो गया एम। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम बट्टा एन। तो एम का स्थान पर कौन है? एक्स प्लस टू का स्क्वायर। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर एन का स्थान पर कौन है? ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस में सी है तो प्लस में सी लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा? जो फॉर्मूला लगा वो लिख देते हैं यहाँ पर, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बट्टा एन। ठीक है, तो जो जो फॉर्मूला को आपको यूज हो पाया वो आपको बताते हैं। इसमें स्टार लगा देते हैं, वन टू, इसी के बेसिस पर ये था, और एक आपको यहाँ बताए थ्री नंबर, और ये आपको एक बताए फोर नंबर। ठीक है, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो शुरू से फिर से सुनेंगे, इसी प्रोसेस पे आगे का वो टोटल सवाल बनेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और फिर हम आप इस पे बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे, जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो बनाएंगे। ठीक है, अब हम आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन आपको बनाते हैं। तो स्टूडेंट अब हम आगे क्वेश्चन नंबर थ्री पर, क्वेश्चन नंबर टू आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें तीन टर्म वाले हैं। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर थ्री समझ जाएंगे तो आप सिंपल सी ये बात समझिए कि पूरा चैप्टर आपसे बन जाएगा, पूरा चैप्टर की बात बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर तीन में आपको ये तीन टर्म दिया हुआ है। अभी तीन टर्म के लिए आपको कुछ देर पहले हमने बताया भी था कि आप इस तीन टर्म को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि अगर आपको तीन टर्म दिया हो तो आप उसे अलग अलग ऐसे कैसे जानेंगे कि तीन टर्म वाले सवाल हैं? तो यहाँ देख लेंगे नीचे में एक्स का गुणा कितना है, तीन, यानी एक्स का घात तीन आएगा, तो ये तीन टर्म में टूटना चाहिए, यानी कि तीन कॉन्स्टेंट हमें चाहिए। ठीक है, अगर ये इस तरह अलग अलग हैं जैसे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इसे लिखेंगे ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी। ठीक है,
नीचे में स्मॉल एबीसी है, ऊपर में कैपिटल एबीसी है, इसी इसी कॉन्स्टेंट का हमें मान ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए अब जो क्वेश्चन है आपको वो इस तरह है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, तीन अलग अलग भागों में तोड़ लिया, आप समझ ही गए होंगे। फिर उसी तरह यहाँ पर बिंदु का जोर बनाएंगे, थोड़ा यहाँ पर बिंदु जोर पर ध्यान भी देंगे, नहीं तो गलती हो सकती है, ठीक है। क्या करने क्या है, तो यहाँ x माइनस वन है, x माइनस क्या है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या x माइनस 3 है, ठीक है। बराबर के बाएं पक्ष कुछ नहीं करना है, जो करना है बराबर के दाएं पक्ष में करना है, इधर करना है। अब इन सब का एलसीएम जाएगा, चूँकि सब अलग अलग है तो इन सब का गुना हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और हो जाएगा आपको x माइनस 3। अब ध्यान दीजिए, x माइनस 1 मिल चुका है, ये दोनों नहीं मिला है, दोनों का a से गुना करेंगे, तो a से गुना करेंगे क्या लिखेंगे इसको, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ठीक है। प्लस बी देंगे, ये भी इसमें आपको x माइनस 2 मिला, यानी ये बीच वाला मिला, ये दोनों नहीं मिला, इन दोनों गुना करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और एक हो जाएगा आपको x माइनस 3। थोड़ा और भी ज़्यादा ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस अब आप सी दे दो, ये यहाँ x माइनस 3 है, हटाएंगे दो को बच गया x माइनस 1 और एक बच गया आपको x माइनस 2, ठीक है। अब फिर वही काम, नीचे वाले एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए हमारे पास बचेगा 3x माइनस 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस b x माइनस 1, ठीक है, उसके बाद x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2, ये जो वाले टर्म है इन्हें लिख दिए पूरे। अब वही चीज़ देखिए, अगर देखो यहाँ पर अगर x बराबर अगर 2 रख दिया जाए तो ये जीरो हो जाएगा पूरा पूरा, 2 यहाँ भी रखाएगा ना तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो आपको b का मान निकलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर 1, 2, 3 सिंपल पुट करना है, क्योंकि 1 पुट करेंगे आप तो देखिए ये टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो एक मान निकल जाएगा। 2 रखेंगे तो आपको ये और ये जीरो होगा तो b का मान निकलेगा, 3 रखेंगे तो आपको ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ निकल जाएगा c, ठीक है। तो हम पुट करते हैं, पुट x बराबर 1, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, ठीक है, 1 तो 3 गुना 1 बराबर, अब आप देखो यहाँ गौर से, यहाँ a है, यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस b। अब इसे क्यों कुछ लिखेंगे, जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 कटेगा, 0 होगा तो टोटली 0 हो जाएगा, प्लस गुना में था इसलिए 0 होगा। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपको ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी गुना में आपको 0 हो जाएगा, ये हो गया आपको। अच्छा यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस 1 भी होगा, तो 3 गुना 1 माइनस 1 यानी कितना बचेगा, 2 बराबर। अब देखिए यहाँ पर 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1, अब गुना में बचेगा आपको ये माइनस 2, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको बचेगा 2 बराबर कितना बचेगा, ये 2 a 2 डिवाइड करेगा, इसलिए a बराबर आपको हो जाएगा 1। तो एक चीज़ का मान निकल गया, इसी तरह आपको दो और चीज़ का मान निकालना है। तो देखिए अभी तक में इंटीग्रेशन का कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, इसे हम सिर्फ आगे अब बनाते चलेंगे इसी प्रोसेस पे। अब पुट कर लेते हैं, पुट x बराबर आप कितना रखोगे, 2 रखोगे तो देखो ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, तो b का मान निकलेगा, तो यहाँ भी 2 रखेंगे, 3 गुना 2, ठीक है, 3 गुना 2 घटाओ 1, अब 2 रखेंगे तो ये टर्म 0 ही हो जाएगा, तो पूरा 0 ही लिख लो, b वाला टर्म निकलेगा, तो प्लस b, 2 रखेंगे तो 2 घटाओ 1 यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 2 घटाओ 3, ठीक है, प्लस, और ये तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप रखोगे 2 यहाँ पर, तो ये 2 घटाओ 2 0, तो 0 से गुना करेगा तो टोटली 0, यानी कि सिर्फ एक कांस्टेंट का मान निकलेगा, तो ये आपको होगा 3 दूनी 6 में से जाएगा तो 5 बराबर, देखिए 2 में से 1 जाए, 2 में से जाएगा तो 1, और 3 में से 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1, यानी कि b गुना 1 और गुना माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया कि b बराबर आपको हो गया माइनस 5, तो आपको b भी निकल गया। अब इसी तरह क्या निकालनी है, c, फिर से पुट करते हैं, पुट x बराबर 3, तो यहाँ रखेंगे 3, तो 3 तिया 9, यानी कि 3 गुने 3
घटाओ एक बराबर। अब आप यहाँ तीन रखोगे तो जीरो होगा, यहाँ भी तीन रखोगे तो ये भी जीरो होगा, तो ए भी जीरो बी भी जीरो, इधर सी वाले टर्म का बचेगा, यानी कि जीरो प्लस जीरो प्लस सी गुना। अब देखिए यहाँ पर तीन घटाव में एक गुना तीन घटाव में दो, ठीक है। तो चलिए अब और आगे समझते हैं। तो ये तीन तिया नौ में से एक जाएगा तो बचेगा आठ बराबर, तीन में से एक जाएगा तो कितना बचेगा दो, और तीन में से दो जाएगा तो बचेगा एक, यानी कि टू सी, इसलिए सी इजकल टू हो गया आपको चार। तो ये आपको तीन चीज निकल गया। नाउ अब आप इंटीग्रेशन को गौर से देखिए, आप जिसे माने थे यानी कि इस सबको आप ये से माने थे, तो आप क्या करेंगे, ए बट्टा एक्स माइनस वन डी एक्स अलग अलग कर भी देते हैं साथ साथ, बी बट्टा एक्स माइनस टू डी एक्स और सी बट्टा एक्स माइनस थ्री ये डी एक्स, कैसे अलग अलग किए, तो सिंपल सा काम था, आप पीछे क्वेश्चन में देखे भी होंगे, ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना आया था वन, तो हो गया वन बट्टा एक्स माइनस वन इंटीग्रेशन डी एक्स, बी का मान कितना आया था माइनस पाँच, माइनस पाँच बट्टा एक्स माइनस टू डी एक्स, प्लस सी का मान कितना लाए थे चार, तो चार बट्टा एक्स माइनस थ्री डी एक्स, ठीक है। अब आप इसे क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, समझाए थे पीछे वन बटा एक्स का लॉग मॉड एक्स होता है, उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा आपको लॉग मॉड एक्स माइनस वन, माइनस फाइव को आप बाहर कर दो, ठीक है। तो ये वन बटा एक्स माइनस टू बचेगा, तो वन बटा एक्स माइनस टू का भी क्या होगा लॉग मॉड एक्स माइनस टू, प्लस फोर को बाहर कर लेंगे कॉन्स्टेंट को, तो फिर वन बटा एक्स माइनस थ्री का क्या होगा लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री, और एक प्लस लिख दो सी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आप इसी तरह पूरा चैप्टर को बनाएंगे, अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को स्किप करके शुरू से अंत तक देखेंगे, ठीक है। और फिर आपको अगला वीडियो हम आपको जारी करेंगे, जब आप कमेंट में जब आप बताओगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा इस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और पढ़ने के लिए आप करियर पॉइंट नरहन का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो इतना ही तक, धन्यवाद।